दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम चला रहे हैं Hyundai Alcazar 2021। दोस्तों ये गाड़ी रिसेंटली लॉन्च करी गई है, 6 और 7 सीटर ऑप्शंस में आती है। इसके वॉक अराउंड अगर आपने देखने हैं तो हमने ऑलरेडी आपको वीडियोस बना के दिए हुए हैं, चाहे वो कोई सा भी वेरियंट हो। बाकी आज हम चला रहे हैं इसका 2 लीटर पेट्रोल वेरियंट, जिसमें 159 PS की पावर और साथ ही 191 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड होता है। चलाते हैं और आपको बताते हैं इसके सारे एस्पेक्ट्स। इस ड्राइव के टाइम हम गाड़ी में 4 लोग हैं और आपको बताते हैं ओवरऑल कैसा रिस्पांस रहता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर आगे बढ़िएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियो आपके लिए लाने की। अब वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ गाड़ी में इंजन कौन सा चलाने वाले हैं और वेरिएंट कौन सा चलाने वाले हैं। राइट साइड में बैजिंग देखी आपने सिग्नेचर वेरिएंट की और लेफ्ट साइड में 2.0, यानी कि आप समझ ही गए होंगे 2 लीटर पेट्रोल इंजन। स्टिल आपको एक बार इंजन भी चेकआउट करा देता हूँ। हालांकि ये ज़्यादा पंची रहने वाला है डीजल इंजन से, डीजल इंजन भी बहुत ही जल्दी चलाने वाले हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और इंसुलेशन वगैरह सभी चीज़ें प्रॉपरली यहाँ पे दी गई हैं। अब चलते हैं ड्राइव की तरफ और वहाँ से आपको बताते हैं कि ओवरऑल गाड़ी का रिस्पांस कैसा देखने को मिलता है और क्या ये गाड़ी अपनी सेगमेंट को जस्टिफाई करती है या नहीं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट यानी कि अर्गोनॉमिक्स से। तो अर्गोनॉमिकली अगर बात करी जाए इस गाड़ी की तो दोस्तों ये चीज़ काफ़ी अच्छी रखी गई है। और आपको बताना चाहूँगा अर्गोनॉमिकली मेरे को कोई भी मेजर इशू इस गाड़ी में देखने को नहीं मिला है, चाहे वो म्यूज़िक सिस्टम हो, एसी कंट्रोल्स हो, गियर नॉब हो या किसी भी तरह के फंक्शंस और फीचर्स हो। बल्कि काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो काफ़ी यूज़फुल पड़ जाते हैं गाड़ी को ड्राइव करते हुए। चलिए अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। आपको बता दूँ ये जो मैं चला रहा हूँ ये है सिग्नेचर ऑप्शनल 6 सीटर वेरियंट पेट्रोल ऑटोमेटिक में, तो इसमें पीछे भी कैप्टन सीट्स आती हैं। और जो मज़ा मैं इसके आगे बैठ के ड्राइवर्स कम्फर्ट का ले पा रहा हूँ वही सेम मज़ा आप पीछे की सीट्स पे बैठ के भी ले सकते हैं। हालांकि मेरी सीट्स में वेंटिलेशन दी गई है, ये चीज़ अगर रेयर में भी दी जाती तो काफ़ी अच्छा रहता, बट स्टिल अगर बात करूँ इन सीट्स के कंफर्ट की तो यहाँ पे कोई भी कमी देखने को मेरे को नहीं मिल रही है। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ अगला पॉइंट जो कि है विजिबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि विजिबिलिटी एस्पेक्ट में भी गाड़ी में कोई मेजर इशू नहीं है। हालांकि गाड़ी की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो उस हिसाब से अगर बात करूँ तो आपको थोड़ा सा केयर करके गाड़ी को चलाना पड़ेगा। उसके अलावा क्रेटा से अगर बात करें डिफरेंसेस की तो यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको विजिबिलिटी एस्पेक्ट में। ए पिलर्स काफ़ी सही साइज़ के रखे गए हैं, ORVMs, IRVMs सबकी पोजिशनिंग बिल्कुल ओके है। और आपके ORVMs के नीचे जो कैमरा लगाए गए हैं, DRVM का फीचर दिया गया है, ये सभी चीज़ें आपकी विजिबिलिटी और आपका ड्राइविंग कॉन्फिडेंस दोनों ही इनक्रीज़ करते हैं और ये काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ जो कि है इस पर्टिकुलर इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन का NVH लेवल्स। तो दोस्तों नॉइज़ की बात करूं तो ये गाड़ी वैसे तो एंथुजियास्टिक ड्राइव के लिए नहीं बनी है, बट स्टिल अगर आप एंथुजियास्टिकली इसे ड्राइव करने की कोशिश करते हैं तो इंजन नॉइज़ गाड़ी के अंदर पीप इन हो जाती है और वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर सकती है। वाइब्रेशन की बात करूं तो काफ़ी रिफाइंड इंजन है और मेरे को यहां पे कोई भी कमी देखने को नहीं मिली है। और बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट जो कि है हार्शनेस। तो दोस्तों हार्शनेस में भी कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिलता स्पेसिफिकली पेट्रोल इंजन्स में, और Hyundai के तो डीजल इंजन्स भी इतने सही होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे जो कि है स्टेयरिंग। आप देख ही रहे होंगे मैं सिटी ड्राइव कर रहा हूँ, इतनी लंबी गाड़ी को यू टर्न भी ले रहा हूं, और काफ़ी बार मैंने इसे टर्न करके देखा है, आप वीडियो में भी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे एक तो मेरे को इसके कैमराज काफ़ी असिस्ट कर रहे हैं जो स्पीडोमीटर के अंदर ही आपको डिस्प्ले प्रोवाइड करा देते हैं, उसके अलावा इसका बोनट विजिबल रहता है तो वो आपको एक और रीअश्योरिंग फील प्रोवाइड करा जाता है। उसके अलावा बात करूँ तो स्टेयरिंग काफ़ी लाइट रखा गया है जो आपको सिटीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा असिस्ट करने वाला है, बट अगर बात करी जाए स्पेसिफिकली हाईवेज़ की तो मैंने सभी मोड्स में इस गाड़ी को चला के देख लिया है। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि स्टेयरिंग एक ऐसा पॉइंट है जिसने मेरे को कहीं ना कहीं हल्की सी निराशाजनक दे दी है। जी हाँ दोस्तों, इस लेवल की गाड़ी में इतना लाइट स्टेयरिंग नहीं होना चाहिए था, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लैक करता है जब आप हाई स्पीड पर इस गाड़ी को चलाते हैं। आप खुद जाएं टेस्ट ड्राइव करें और इस चीज़ को खुद अपने हिसाब से जज करें, क्योंकि हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है और काफ़ी लोगों को लाइट स्टेयरिंग ज़्यादा पसंद होते हैं बजाय फर्म या आप कह सकते हैं स्टिफ स्टेयरिंग के। इसके बाद बात कर लेता हूँ इसके ट्रांसमिशन की। तो दोस्तों 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर दिया गया है इसमें और ट्रांसमिशन बखूबी अपना काम कर लेता है। उसके अलावा आप मैनुअल कंट्रोल भी ले सकते हैं इसके ऊपर, और वो मैनुअल कंट्रोल चाहे तो पैडल शिफ्टर से और चाहे गियर नॉब से, दोनों ही तरीके से लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा और जर्क्स भी ज़्यादा फील नहीं होते हैं जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं।
उसके अलावा बात करना चाहूँगा इसकी ओवरऑल एक्सेलरेशन के बारे में। तो दोस्तों, ये इस गाड़ी का सबसे पंची इंजन है विद 159 पीएस ऑफ पावर, 191 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और दोस्तों, वो पंचीनेस इस गाड़ी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दब जाती है क्योंकि ये काफ़ी लंबी और बल्कि गाड़ी है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि गाड़ी में आपको बिल्कुल पावर फील नहीं होती है, इतने सारे ड्राइविंग मोड्स और ऑल्टरेशंस इसमें दी गई हैं और पावर आपको जस्टिफाइड लगेगी, कुछ ऐसा एक्सेप्शनल नहीं लगने वाला जिससे आप फील करें कि हाँ पावर बहुत ज़्यादा दे दी गई है। इस गाड़ी के लिए यह इंजन बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि माइलेज की बात हम आगे चल के करेंगे, उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके सस्पेंशन सेटअप की। तो दोस्तों, जनरली ये देखा गया कि ह्यूंडई के सस्पेंशन सेटअप कंफर्ट की तरफ ट्यून्ड रहते हैं और इस गाड़ी में भी कुछ अलग नहीं किया गया है। बट इस गाड़ी की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से वो जो कंफर्टेबल सस्पेंशन आपको दिए गए हैं उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं इस गाड़ी में बॉडी रोल फील होगा, और बिल्कुल फील होगा क्योंकि इतनी लंबी और हाई ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ियों में बॉडी रोल एक एविडेंट चीज़ है और इससे आप नहीं बच सकते। बट दोस्तों, अगर बात करूँ एक प्रीमियमनेस या एक टच के बारे में इस गाड़ी के, तो आप देख सकते हैं काफ़ी इजीली मैं ड्राइव करते हुए इस गाड़ी के सभी प्रीमियम फीचर्स यूज़ कर पा रहा हूँ, चाहे वो आपका बोस का म्यूज़िक सिस्टम हो, चाहे किसी भी तरह के स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हो। उसके अलावा एक और जो बढ़िया फीचर इसमें दिया गया है वो आपके कैमराज इंस्टॉल करे गए हैं दोनों ORVMs पे, और आप देख सकते हैं कितनी क्लियर विजिबिलिटी ये आपको प्रोवाइड कराते हैं और एक एक चीज़ आप क्लियरली इनके अंदर देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कैमरा इस टाइम कितना जस्टिस कर पा रहा है, बट आप देख सकते हैं फुल क्लैरिटी के साथ और फुल कॉन्फिडेंस आपको ये चीज़ें, ये फीचर्स प्रोवाइड कराते हैं। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, इस गाड़ी की स्टेबिलिटी। दोस्तों, स्टेबिलिटी वाकई गाड़ी की काफ़ी अच्छी है और जब गाड़ी फुल लोड में होगी तो काफ़ी जम के चलेगी। मैंने इसे काफ़ी सही स्पीड्स पे भी टेस्ट कर लिया है और स्टेबिलिटी के मामले में हाई स्पीड में गाड़ी काफ़ी सही रहती है। बाकी जो जो पॉइंटर्स मेरे को इस गाड़ी में नेगेटिव पॉजिटिव सभी चीज़ें लगी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात आ जाती है अपने आखिरी कुछ पॉइंट्स की, जिसका आप भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, ये 2 लीटर का इंजन है, गाड़ी 6 या 7 सीटर ऑप्शन में आप परचेज़ करेंगे और इससे काफ़ी अच्छी माइलेज एक्सपेक्ट करना बिल्कुल भी सही बात नहीं रहने वाली है। इस टाइम जो मैं सिटी में ड्राइव कर रहा हूँ तो MID जो माइलेज मेरे को शो कर रहा है वो है अराउंड 11 की, बट एक्चुअल माइलेज, क्योंकि मैं ये इंजन 200 में, एलांट्रा में और भी गाड़ियों में चला चुका हूँ और उनके ओनर से मिल चुका हूँ, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस इंजन से सिटी में अराउंड 8-10 और हाईवेज पे अराउंड 10-12, इससे ज़्यादा की माइलेज एक्सपेक्ट करना एक बेवकूफ़ी हो जाएगी। और इतनी माइलेज भी अगर ये दे देती है तो ये गाड़ी किसी भी तरह से अपने कॉम्पिटिशन से, अपने राइवल से पीछे नहीं रहने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं काफ़ी कॉम्पिटिटर्स तो इसके पेट्रोल इंजन में ऑप्शन ही नहीं देते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है इस गाड़ी की ब्रेकिंग। क्योंकि दोस्तों, अगर आप फैमिली लेके चल रहे हैं या आप किसी तरह की मीटिंग में जा रहे हैं और आप गाड़ी को स्पीड में भी चलाते हैं, तो ब्रेकिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके मन में एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रखती है कि आप किसी भी तरह से अपनी गाड़ी को हैंडल करें, आपको एक ब्रेकिंग अच्छी खासी मिल जानी चाहिए। और इस गाड़ी के साथ वो पॉइंट बिल्कुल 10/10 मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि इस गाड़ी में 18 इंच के काफ़ी वाइड टायर्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा डिस्क ब्रेक का सेटअप दिया गया है और ये चीज़ काफ़ी मदद करती है इस गाड़ी को आपके हिसाब से रोकने में, और ये चीज़ कॉन्फिडेंस के अंदर कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट लेके ज़रूर आ जाती है, क्योंकि ब्रेकिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आपको गाड़ी को अपने हिसाब से यूज़ करने में एक हैबिट दे जाता है। अब दोस्तों, मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा, इससे पहले मैं इस वीडियो को एंड करूँ तो आपको बता दूँ, अगर आप मार्केट में एक पेट्रोल 6 या 7 सीटर गाड़ी देख रहे हैं तो इसके मेजर राइवल्स की बात कर लेते हैं, टाटा सफारी आपको पेट्रोल में नहीं मिलती है, MG हेक्टर या हेक्टर प्लस, बल्कि हेक्टर प्लस ही इसका मेन राइवल है, उसे आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, उसमें टर्बो पेट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, ज़्यादातर ये गाड़ी डीजल में बिकती है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इस कैटेगरी में आपको ये पेट्रोल इंजन काफ़ी सही लगने वाला है। और सिटी की बात करूँ, हाईवे की बात करूँ, स्लो स्पीड्स की बात करूँ, हाई स्पीड्स की बात करूँ, निराशाजनक मेरे को ज़्यादा हाथ नहीं लगी है, और ये काफ़ी सही पॉइंट बन जाता है 19,84,000 एक्स शोरूम का ये सिग्नेचर ऑप्शनल वेरियंट लेने के लिए। चलिए दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं आपसे डीजल इंजन चलाते हुए। तो दोस्तों, ये आपने देखा Hyundai Alcazar का पूरा ड्राइव रिव्यू। आज जो हम चला रहे थे ये था इसका पेट्रोल इंजन, इसका डीजल, मैनुअल और ऑटोमेटिक सभी चीज़ें आपको दिखाएंगे। उसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहें हमारे रेगुलर अपडेट्स की। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।